जनपद के कांट थाना क्षेत्र में बीते महीने की 23 तारीख को नहीं जहां नामक महिला की गला घोटकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। चूंकि महिला अपने पति से अलग अपने महके में रह रही थी और उसका पति 7-8 सालों से दुबई में रह रहा था, पुलिस ने सभी पक्षों को देखते हुए छानबीन शुरू की थी, जिसमें आज उसे चौंकाने वाला खुलासा किया गया। पुलिस के मुताबिक दुबई में रह रहे पति नूर हसन ने इंटरनेट कॉल के जरिए अपने ममेरे भाई के जरिए नईम जहां की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने घटना में शामिल दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 अन्य अभी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक मृतका नहीं जहां की ससुराल डिलारी थाना क्षेत्र गांव मुस्तफापुर बडेरा में थी। उसकी अपने पति से अनबन चल रही थी। पति नूर हसन दुबई में जेसीबी मशीन चलाता है और इसी अनबन के चलते वो इसके पास नहीं आ रहा था। इस बीच मृतका अपनी छोटी बेटी महक को लेकर अपने मैके आकर रहने लगी, जबकि 4 बच्चे अपने दादा दादी के पास ही रह रहे थे। इसी बात से नाराज होकर दुबई में रह रहे पति नूर हसन ने नहीम जहां की हत्या की साजिश रची, जिसमें उसने अपने ममेरे भाई निजाम को मिलाया और एक साजिश कर अपनी पति पत्नी की हत्या करने की सुपारी दे डाली। निजाम ने अपने साथी भूरा यूनुस विपिन सिंह रिंकू को इस साजिश में शामिल करा और 22 नवंबर की रात नीम जहां के घर पहुंच गया और कहा कि बाइक खराब हो गई है, इसलिए यहीं रुक जाता हूं। नईम जहां चूंकि इसी बतौर देवर मानती थी, उसने उन सभी का रुकने का इंतजाम किया। इसी बीच इन लोगों ने खाना खाने के बाद गला घोटकर उसकी हत्या कर डाली और उसके जेवर लूट लिए, ताकि इसे लूट के लिए की गई हत्या समझा जाए। एसपी देहात उदय शंकर सिंह ने बताया कि घटना में शामिल यूनुस और विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि रिंकू निजाम नूर हसन और भूरा फरार हैं, जिन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिनांक 22/23 नवंबर की रात्रि में ग्राम सलेमपुर थाना कांट क्षेत्र में एक नईम जहां नामक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी तथा उसके कुछ सामान भी गायब थे उस समय। इस सिलसिले में अज्ञात में मुकदमा कायम हुआ। पुलिस ने गहराई से छानबीन की। घटना के प्रत्येक पहलू पर जब पूछताछ हुई और जानकारी की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतिका का पति, जो वर्तमान में सऊदी अरब में है, वहाँ से उसने अपने एक रिश्तेदार को हायर किया, उससे बात की, उसने एक ग्रुप को पैसे पर तय किया और तदोपरांत मृतिका से बात करके उसके यहाँ उन अभियुक्तों को रात्रि में सोने के लिए भेजा और वहाँ रुकने और सोने के बहाने वह रुके और उसकी रात्रि में ही गला दबाकर हत्या करके फरार हो गए। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतिका के कान की कुंडल व बाली जो अभियुक्तगण ले गए थे उसको बरामद कर लिया गया है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। सर, इस घटना में कुल कितने लोग थे, कितने गिरफ्तार हो चुके हैं? इस घटना में कुल 6 लोग सम्मिलित हैं, जिसमें 2 अभियुक्त अब गिरफ्तार हो चुके हैं। जैसा कि बता रहे हैं कि अरब से इसके पति ने सुपारी देकर कराया, तो उसकी गिरफ्तारी हो पाई या क्या पुलिस का? बिल्कुल, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास उचित माध्यम से वो भी किए जाएंगे।